रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टैफ्टा रोहेल गौहर की जेर सरबराही जायजा मीटिंग जारी है। मीटिंग के हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टैफ्टा रोहेल गौहर की जेर सरबराही एक अहम मीटिंग मुनक्द हुई है, जिसमें जिले भर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो सरबराह थे वो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। इसी वास्ते जानते हैं उनसे सरबराही का कि मीटिंग जो थी वो किस हवाले से मुनक्द हुई है और आज जो है कौन कौन से अहम फैसले किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। सबसे बड़ा एजेंडा जो है हमारा, सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कोरोना वायरस है। मैंने आज अपने इदारों के सरबराहान को यही हदायत दी है कि अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कोरोना वायरस के मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार करवाए जाएं, उनका लेक्चर, डॉक्टर्स का लेक्चर दिलवाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को, बच्चियों को कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस मिले और उसकी एहतियाती तदाबीर जिनसी हैं वो भी पता चले उनको कि किस किस तरीके से हम इसमें बच सकते हैं। दूसरा एजेंडा हमारा ये है कि हमने हुनरमंद नौजवान जो हमने चलाया था उसकी कारकर्दगी के लिए हमने और इन्हेंस कर रहे हैं उसको, उसकी कारकर्दगी को देखा जा रहा है, उसको फिजिकली भी देखा जा रहा है और उसको मॉनिटरिंग भी बड़ा सही तरीके से किया जाता है। तीसरी बात जो सी है कि वो है हमारा गवर्नमेंट ने, टैप्टा ने हमें एक टारगेट दिया है MNE मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन के लिए, उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के मेड्यूल दिए हुए हैं, उस मेड्यूल को हमने उसमें वेब पोर्टल में जो है उसको हमने लगाना चढ़ाना है उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में जितना भी वेब पोर्टल पर जो इसको हमने MNE का जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसके अंदर हम उसके अंदर इंस्टॉल जो है कर रहे हैं उसको। और इस आज की मीटिंग में हम उनके अंदर जिस इंस्टीट्यूट ने सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी की है उसको हमने कुछ सर्टिफिकेट दिए हैं और शील्ड जो है उनको तकसीम कर रहे हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि हम लोग सारे के सारे एक चा होकर हम वो काम कर सकें। बिल्कुल, मीटिंग मुनक्द है, इसका मकसद ये है कि इदारों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जाए और जिनकी कारकर्दगी बेहतर है उनकी हौसला अफजाई भी की जाए। रहीमिया में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टैफ्टा रोहेल गौहर की जेर सरबराही एक अहम मीटिंग मुनक्द हुई है, जिसमें जिले भर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो सरबराह थे वो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। इस वास्ते जानते हैं उनसे सरबराह का कि मीटिंग जो थी वो किस हवाले से मुनक्द हुई है और आज जो है कौन कौन से अहम फैसले किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। सबसे बड़ा एजेंडा जो है हमारा, सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कोरोना वायरस है। मैंने आज अपने इदारों के सरबराहान को यही हदायत दी है कि अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कोरोना वायरस के मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार करवाए जाएं, उनका लेक्चर, डॉक्टर्स का लेक्चर दिलवाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को, बच्चियों को कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस मिले और उसकी एहतियाती तदाबीर जिनसी हैं वो भी पता चले उनको कि किस किस तरीके से हम इसमें बच सकते हैं। दूसरा एजेंडा हमारा ये है कि हमने हुनरमंद नौजवान जो हमने चलाया था उसकी कारकर्दगी के लिए हमने और इन्हेंस कर रहे हैं उसको, उसकी कारकर्दगी को देखा जा रहा है, उसको फिजिकली भी देखा जा रहा है और उसको मॉनिटरिंग भी बड़ा सही तरीके से किया जाता है। तीसरी बात जो सी है कि वो है हमारा गवर्नमेंट ने, टैप्टा ने हमें एक टारगेट दिया है MNE मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन के लिए, उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के मेड्यूल दिए हुए हैं, उस मेड्यूल को हमने उसमें वेब पोर्टल में जो है उसको हमने लगाना चढ़ाना है उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में जितना भी वेब पोर्टल पर जो इसको हमने MNE का जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसके अंदर हम उसके अंदर इंस्टॉल जो है कर रहे हैं उसको। और इस आज की मीटिंग में हम उनके अंदर जिस इंस्टीट्यूट ने सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी की है उसको हमने कुछ सर्टिफिकेट दिए हैं और शील्ड जो है उनको तकसीम कर रहे हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि हम लोग सारे के सारे एक चा होकर हम वो काम कर सकें। बिल्कुल, मीटिंग मुनक्द है, इसका मकसद ये है कि इदारों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जाए और जिनकी कारकर्दगी बेहतर है उनकी हौसला अफजाई भी की जाए।